Strong. नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेकर आया हूं जो आपके पोर्टफोलियो को निश्चित ही एक नया दम देगा और आपके इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, आपके पैसे को बढ़ाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट में एक नई जान डाल देगा। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी स्टार्टिंग जो है 1.79 रुपये पे दोस्तों 1999 से हुई थी और इसने बहुत अच्छा रिटर्न इसने निकाल के दिया। दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो देखिए मैक्सिमम में ये इस समय बहुत अच्छी प्राइस पे बना हुआ है और 1838% का इसने मैक्सिमम रिटर्न निकाल के दिया है, आप देख ही रहे हैं। और 1838% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है जो कि अभी तक इसने निकाल के दिया है एक लॉन्ग टाइम में अगर देखा जाए तो। दोस्तों, ये अभी इस साल में बहुत करीब 25-30% नीचे आया है और आपको इस समय एक अपॉर्चुनिटी का मौका मिल रहा है। जैसे हालात बने हुए हैं, या थोड़ा सा और रुक जाइएगा तो और थोड़ा सस्ता हो जाए तब खरीद लीजिए, लेकिन आपके लिए ये एक आपकी नॉलेज में डालने के लिए मैं इस शेयर को लेके आया हूं और जिससे कि आप समय रहते इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ होगा 1.79 रुपये पे। दोस्तों, ये 1999 में जब इसने यहाँ भी इतना पैसे पे लगाया होगा, वैसे नीचे भी गया होगा उसके बाद में, उस समय भी अगर 2002-2001 के बीच में अगर इसमें पैसा किसी ने भी लगा दिया होगा दोस्तों, तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। 1838% के रिटर्न आपने इसमें देखने को मिले ऑल टाइम में, तो बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत ही बढ़िया है। और जिसने भी पैसा लगाया होगा उसका पैसा एक अच्छी मजबूती पकड़ा होगा। दोस्तों, इसके फंडामेंटल किस प्रकार से हैं, फाइनेंशियल किस प्रकार से हैं, यह जान लेते हैं। देखिए, ये ओपन हुआ था 35.15 रुपये पे इसकी ओपनिंग हुई और प्रीवियस क्लोज इसका 35.15 रुपये का प्रीवियस क्लोज था। इसने अपर सर्किट इसने 36.90 रुपये का लगाया है और लोअर सर्किट 33.40 रुपये का रहा है। वॉल्यूम 155,690 का वॉल्यूम रहा है और BWAP 34.70 का है और मार्केट कैप 967 करोड़ का मार्केट कैप है। 20-डे एवरेज वॉल्यूम 271,513 का 20-डे एवरेज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 20-डे एवरेज डिलीवरी देखें तो 160,050 की 20-डे एवरेज डिलीवरी है, डेटा 1.17 का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 3.87 रुपये का है और PE 9.01 का है, सेक्टर PE 11.47 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 28.99 की 29 रुपये की बुक वैल्यू पर शेयर है, PV 1.20 का है। बहुत बढ़िया शेयर निकल के आया है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में एकदम जान डाल देगा दोस्तों। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, 1.15 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी, का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राइस एंड वॉल्यूम की देखें तो प्राइस एंड वॉल्यूम किस प्रकार से है, प्राइस परफॉर्मेंस पहले देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सप्ते में इसने 5.81% की गिरावट दिखाई है, वहीं एक महीने में 8.53% की गिरावट और पिछले 3 महीने में 20.80% की गिरावट के साथ बना हुआ है। और इस साल अगर जनवरी से अब तक देखा जाए 21.33% की गिरावट इसने दिखाई
है। दोस्तों एक साल में इसने 13.84% की गिरावट दिखाई है, वहीं तीन साल में 170.81% की इसने अपने आप को ऊपर ले गया है। दोस्तों फाइनेंशियल जान लेते हैं कंपनी की किस प्रकार से फाइनेंशियल रहे हैं। रेवेन्यू मतलब कि सेल अगर देखा जाए तो सेल किस प्रकार से रही है, 1187 करोड़ की सेल इसने 2018 में दिखाई थी, 1352 करोड़ की सेल इसने 2019 में और 1277 करोड़ की सेल 2020, 1464 करोड़ की सेल 2021 और 2454 करोड़ की सेल 2022 में दिखाई है। दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी पिछले तीन साल में 2020 तक देख दोस्तों इसने लॉस दिखाया था 20 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का और फिर जो है 26 करोड़ का लॉस 2020 में देखने को मिला, 21 में 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद में 107 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, हम यहां से इसमें एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। और कंपनी के अर्निंग पर शेयर देखे जाए तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर 2020 तक इसने जो माइनस में रहे थे अर्निंग पर शेयर, वहीं 2021 और 22 को देखा जाए तो इसमें अर्निंग पर शेयर 1.15 और 4.12 का देखिए तक पहुंचा है 2022 में। तो ठीक है, अर्निंग पर शेयर सही है, जैसे जो कंपनी का शेयर स्टॉक का प्राइस है उसको अर्निंग पर शेयर को देखते हुए ठीक है। देखिए दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर किस प्रकार से रही है, यहाँ 2018 को और 2020 तक देखा जाए तो बुक वैल्यू पर शेयर लगातार घटी थी और वहीं 2020 के बाद में 2022 तक जो है बुक वैल्यू पर शेयर में राइज देखने को मिला है, 30.72 पे बुक वैल्यू पर शेयर इस समय बनी हुई है। बुक वैल्यू पर शेयर बहुत अच्छी है इस समय, जो भी बुक वैल्यू पर शेयर इस कंपनी ने दिखाई है ठीक है। दोस्तों अगर इसके आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी वहीं 2020 तक तो नेगेटिव में ही थी और इस समय 13.40 की रिटर्न ऑन इक्विटी 2022 में हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छी है रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ गुड। देखिए दोस्तों कंपनी ने अपने डेट को लगातार कम किया है, यहाँ हमें 1 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा था 2018 में कंपनी के ऊपर और यहाँ 85 लाख का और यहाँ 78 लाख का और यहाँ 86 लाख का, वहीं यहाँ केवल 69 लाख का डेट देखने को कंपनी के ऊपर मिल रहा है। दोस्तों तो लगातार कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, अब डेट को कम करेगी तो प्रॉफिट अच्छा बनेगा। दोस्तों यहाँ कंपनी ने डेट कम कर देगी तो बिल्कुल ही आपको प्रॉफिट में पहुँच जाएगी कंपनी, यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्ट में, अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फ़ायदा होना ही है। दोस्तों देखिए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ली जाए, किस प्रकार का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर 46.76% के साथ में ठीक अच्छी पोजीशन पर बना हुआ है और 46.50% के साथ में पब्लिक भी है और FII 6.72% इसमें इस समय है और DII 0.02% है। तो यहाँ पे सभी का हिस्सेदारी है, लेकिन जो प्रमोटर है वो भी अपनी क्वांटिटी को ठीक मात्रा में बनाए हुए हैं, तो यहाँ हम इसमें इन्वेस्ट का एक अच्छा मौका मिल रहा है। दोस्तों वहीं एक चीज़ और मैं बता दूं, देखिए मार्च 2021 में इसके पास जो 46.76% के जो भी प्रमोटर होल्डिंग थी वो पूरी की पूरी थी और यहाँ 2022 में इसने 46.76% जो होल्डिंग है उसको
कम दोस्तों किया है और यहाँ प्लेजिंग हो गई है 64 पॉइंट आपको देखने को मिल रही है, 64.40% की इसने प्लेजिंग दिखाई है। दोस्तों यहाँ एक थोड़ी घटना समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है कि इसने अपने 64.40% शेयरों को प्लेज कर दिया है तो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। अगर दूसरी कंपनियों के साथ जो केमिकल सेक्टर की हैं पेट्रो तो उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसके देखते हैं कि किस तरीके का रहा है। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस तो वास्तव में कम है बहुत, अगर और कंपनियों को देखा जाए तो देखिए गुजरात अल्कली है, सोलर इंडस्ट्री है और दीपक नाइट्राइट है, उसके मुकाबले इसका प्राइस बहुत कम है। चेंज देखिए मार्केट कैप 967.77 करोड़ का मार्केट कैप भी है और देखा जाए तो हम यहाँ देखने को देखिए ये पी और जहाँ इन लोग इन कंपनियों के पी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं वहीं गुजरात अल्कली का पी कम देखने को मिल रहा है और इसका पी एकदम ठीक है और पी भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है और 1.2 का पी भी है तो यहाँ आप इसमें इन्वेस्ट करने का एक अच्छा चांस मिल जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर दूसरी कंपनियों को देखा जाए तो 13.40 की रिटर्न ऑन इक्विटी है गुड और अगर प्राइस परफॉर्मेंस मतलब कि जो 1 साल में इसने परफॉर्मेंस दिखाई है वो थोड़ी नेगेटिव दिखाई है यही थोड़ा सा लेकिन ठीक है। इसने नेट प्रॉफिट इसने अच्छा दिखाया है, 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है तो बढ़िया। और यहाँ नेट सेल्स की बात करी जाए तो नेट सेल्स में देखिए नेट सेल्स भी काफ़ी अच्छी है और कंपनियों को देखते हुए और डेट टू इक्विटी इसने बहुत ही बढ़िया कम किया है। देखिए डेट को देखिए दीपक नाइट्राइट पर बहुत ही कम डेट है, 0 केवल 9 लाख का डेट है और वहीं इस पर 69 लाख का डेट है तो धीरे धीरे कंपनी डेट को कम कर सकती है क्योंकि जिस तरीके से हमने 5 साल के आंकड़े देखे उसको देखते हुए कंपनी का डेट बहुत नीचे जा रहा है तो यहाँ हमें कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा चांसेज मिल रहा है। दोस्तों हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है तो और कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, कंपनी का नाम है LTD। तो यहाँ कंपनी का नाम डी सी डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी का नाम है और देखिए क्या करती है कंपनी, मैं आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चर करती है इसे बेसिक केमिकल्स सच एज कॉस्टिक सोडा है, लिक्विड क्लोरीन है, वेस्ट प्रोडक्ट सच एज ट्राई एथिलीन है, LCL है, अपग्रेडेड लेमोनाइट है, सिंथेटिक रूटील है, येलो आयरन ऑक्साइड है, PVC रेजिन है दोस्तों PVC रेजिन और सोडा एस अमोनियम बायो कार्बोनेट एंड लिक्विड ब्रोमीन दोस्तों ब्रोमाइड। तो देखिए कितनी चीज़ें बना रही है केमिकल सेक्टर में, बहुत ही प्रोडक्ट का इसने ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो यहाँ से आपको कंपनी के और दोस्तों ये गुजरात की कंपनी है। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाएं जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। जय हिंद जय भारत दोस्तों।